दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 4 जुलाई, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 विभागों के अंतर्गत जबरदस्त वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं पास के लिए भी यहाँ पर सुनहरा अवसर निकला है। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग वाटर डिपार्टमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, NSUT के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट की वहीं बात की जाए तो पोस्ट है इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क UDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक, हेड क्लर्क, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA, असिस्टेंट स्टोर कीपर, जूनियर प्रोग्रामर और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज की बात की जाए तो आप पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से चेक कर सकते हो। बात अगर सैलरी की जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर मैकेनिक, असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 19,900 से 63,200 Level 2 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क UDC, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 25,500 से लेकर 81,100 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। हेड क्लर्क के लिए 44,900 से 142,400 है Level 7 के अंतर्गत। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर प्रोग्रामर के लिए 35,400 से 112,400 है Level 6 के अंतर्गत। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 है Level 5 के अंतर्गत। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास के लिए भी मौका है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की जानकारी भी आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से मैच कर सकते हो, बाद में अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम कुछ पोस्ट के लिए 27 और कुछ पोस्ट के लिए 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनके लिए जनरल OBC WS के लिए 1200 रुपये है, ST PH ओमैन के लिए 800 रुपये है। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। ग्रुप बी की जो पोस्ट है वहीं इनके लिए एप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS के लिए 2000 है, ST PH ओमैन के लिए 1000 है। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट या लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। NSUT.ac.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जुलाई 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 31 जुलाई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हेवी वाटर बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO की पोस्ट है। वेरियस पद खाली है। सैलरी 35,400 Level 6 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 33 वर्ष OBC कैटेगरी के लिए और 18 से 35 वर्ष SC ST कैटेगरी के लिए है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। HWB.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 2 अगस्त 2021 है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है और साथ ही साथ जिस एड्रेस पर आपको आवेदन सेंड करना होगा वो भी आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भर्ती है। टीचर की बंपर वैकेंसीज की अपडेट आ चुकी है, सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th DLED, BLED, BEd, DEd, BA, BSc से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस की वहीं बात की जाए तो जनरल 2A, 2B, 3A, 3B के लिए जो पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए है 700 रुपये और बोथ पेपर्स के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये है। SC ST CIE पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए 350 और बोथ पेपर के लिए 500 रुपये है। डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश। सिलेक्शन होगा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कर्नाटक का जॉब लोकेशन है।
जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका TET की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। schooleducation.kerr.nic.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जुलाई 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 जुलाई 2021 है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 12 अगस्त 2021 से। पेपर एग्जाम पेपर फर्स्ट और सेकंड की डेट 22 अगस्त 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की वेरियस पद खाली है। WCD रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं पास और 10वीं पास के लिए सुनहरा अवसर है। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस की जानकारी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कलबुर्गी डॉट या बिदर कर्नाटका जॉब लोकेशन है। जहाँ दोस्तों कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आंगनवाड़ी रिक्रूट डॉट कर डॉट एन आई सी डॉट इन पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जुलाई 2021 है दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT की पोस्ट है। 5,807 वैकेंसीज है। 9,300 से 34,800 सैलरी प्रतिमाह के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BA डिग्री होनर्स, साथ में MIL या डिग्री डिप्लोमा टेक टीचिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 32 वर्ष है। UR EWS OBC के लिए 100 रुपये शुल्क है। SST PH फीमेल EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI चालान से। सिलेक्शन होगा 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। DSSB.Delhi.gov.in या फिर DSSB.online.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। इस भर्ती के लिए अब आप 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में, भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की GDO टेक्निकल की वेरियस पद खाली है। सैलरी 56,100 से 1,77,500 है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स एग्जाम और फाइनल सिलेक्शन के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। joinindiancoastguard.gov.in या फिर joinindiancoastguard.cdac.in पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए 4 जुलाई यानी कि आज ही से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 जुलाई 2021 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 20 जुलाई 2021 से। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 4 जुलाई 2021 की top 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इनसे किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।